हेलो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं शराब की दुकान के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। देख सकते हैं आप, पुलिस भी खड़ी है लेकिन पब्लिक पुलिस की भी नहीं मान रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो कैसे ये लोग एक दूसरे से चिपक चिपक के खड़े हुए हैं। अगर इनमें आप सोच सकते हैं, अगर इनमें एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर संक्रमण फैलने का कितना ज़्यादा खतरा ये लोग उठा रहे हैं। आए हैं अपने घर से शराब लेने के लिए, मगर ये अपनी साथ कोरोना जैसी महामारी भी अपने घर लेकर जा सकते हैं। ऐसा संक्रमण फैलने के चांस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सरकार को इस बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। एक तरफ हम कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अपने रोजगार सारे बंद करके घर में बैठे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए। दूसरी तरफ सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, दारू के सभी ठेके खोल दिए हैं और ठेकों के बाहर हज़ारों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है और ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने के चांस यहाँ पर कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं इस फैसले की सरकार की कड़ी निंदा करता हूँ। अगर हमारे देश में यह वायरस तेजी से फैल गया, हमें कितने लंबे समय तक इस वायरस से जूझना पड़ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, जो मैंने था, जो मुझे सही लगा वो मैंने कह दिया। अगर किसी भाई को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और जो लोग मेरी बात से सहमत हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाएगा। इस संकट भरे समय में कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए हमारे साथ जरूर दें।